नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आखिर अतिथि शिक्षकों को नियमित कब किया जाएगा और उनके वेतन में वृद्धि कब की जाएगी। इन फोटोज़ को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं MP में अतिथि शिक्षकों की क्या क्या मांगे हैं। प्रदेश सरकार प्रतिभागी परीक्षाएं करवाकर अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाए। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए मानदेय बढ़ाया जाए। जिन शिक्षकों की मासिक सैलरी अब तक रुकी हुई है उन्हें तुरंत निष्कासित किया जाए एवं नियमित शिक्षक बनाने हेतु फिर से परीक्षा कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों व संविदा कर्मचारियों को नियमित सरकारी नियुक्ति देने का बयान दिया है। उन्होंने कहा जल्द ही सभी अतिथि शिक्षकों को मानदेय व सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पंजीकृत आवेदक कितने हैं एवं कितने शिक्षक प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला व हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हैं। अतः कुल कार्यरत अतिथि शिक्षक 45,957 हैं। अब चलिए शिक्षकों की सैलरी के बारे में जान लेते हैं। जहां वर्ग एक को 9,000, वर्ग दो पे 7,000, वर्ग तीन पर 5,000 रुपये सैलरी दी जाती है। शिक्षक स्वयं दीपक की तरह जलकर प्रकाश फैलाता है, अतः महंगाई को देखते हुए भी इतना कम वेतन व नियमित न किया जाना सरकार की तरफ से यह एक प्रकार का अपमान ही है। इंसाफ के लिए 4 सितंबर को जबलपुर में रैली निकाली गई व SDM को ज्ञापन सौंपा गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा CM शिवराज सिंह जी ने अपने संबोधन में। गांव के नौजवान जो हमारे बेटे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और व्यवस्था संभाल रहे हैं। उनसे भी मेरी अपील है कि हमारी परीक्षा की घड़ी है ये, और इसलिए आप सब गांव के एक तरफ हमारे सैनिक बलिदान कर रहे हैं सर्वोच्च, उन्होंने भारत माता का माथा गर्व से उन्नत किया है, दूसरी ओर कहते हुए शर्माती है एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसने कई वर्षों तक देश में शासन किया। प्रिय बहनों और भाइयों, पिछले 48 घंटों में आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। भोपाल की सड़कों में मैं रात में भी घूमा था। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के रतलाम, साजापुर, इन जिलों में भी हम लगातार नजर रखे हुए हैं और नीचे स्थान पर जो लोग हैं उनमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। आप धैर्य और संयम से काम लें। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। धैर्य रखें, संकट की इस घड़ी से हम बाहर निकलेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं लगा होगा। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, वह छात्रों का भी हक बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं व उन्हें इंसाफ दिलाएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। तेरा रंग दे बसंती चोला ओए, ते बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज इसी को पहन के निकला, पहन के निकला।